गाइस, दिस इज़ मोहम्मद इब्राहिम। तो अब हम शुरू करने वाले हैं टेलरिंग क्लासेस के वीडियोस। सबसे पहला वीडियो रहेगा हमारा नेक लाइंस का, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा बोर्ड पर कि नेक लाइन कैसा ड्रॉ करते रफली। उसके बाद फिर मेजरमेंट से दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है करो, या मुझसे कोई ऑनलाइन भी क्लासेस लेना चाह रहे ऑनलाइन घर पर बैठे बैठे तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते इस नंबर पर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, करेंगे नेक्स्ट, जो कि मैं आपको रफली करके दिखाऊंगा। आप जो है सो इसको अच्छे से अच्छा करना है। अभी देखिए, ये राउंड वाला तो राउंड वाला है, ये स्क्वायर तो स्क्वायर है, कोई इसको मेजरमेंट कुछ भी नहीं है। हाँ, ये थ्री पॉइंट है। देखिए अपन मेजरमेंट जो है हम यूँ करते हैं ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है ये एक पॉइंट आ रहा है, ये जो है वन एंड हाफ पे लेना है। यहाँ से नीचे से वन एंड हाफ पे लेना है, जैसा कि ये है, ये भी एक ही पॉइंट है। देखिए ये भी वन एंड हाफ पे लेना है। हाँ, यहाँ पर देखो दो पॉइंट्स आ रहे हैं, कैसा आ रहे, ये एक हो गया, ये दो हो गया, वन टू, वन इंच, दोनों भी वन वन इंच के होना है। अब ये है, एक दो पॉइंट आ रहे हैं, वन इंच दोनों भी, ये आप इसको दो पॉइंट भी समझ सकते, यहाँ ही आएगा। मगर अपन ये एक वन एंड हाफ से थोड़ा कम भी अगर ले लिए तो ये आपको बराबर आ जाता, नहीं अगर आप वन एंड हाफ लेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाता। एक इंच से बढ़ के वन एंड हाफ से थोड़ा कम ये वाला लेना है आपको। ऐसे पॉइंट्स आपको खुद आइडिया आ जाता है कि कैसे ड्रॉ करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। फिर भी आपको क्लियर समझ में आने के लिए मैं पेपर पे ड्रॉ करके बताऊंगा। अब इसमें नहीं समझ में आया तो वो वीडियो देख लो, ठीक है, फिर करो। चलिए, अगर वैसा आपको नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, और एक तरीका बताता हूँ। अब हम अपने करना है नेक, ये नेक अपने को करना है अगर, तो देखिए मैं क्या करूँ, ये बॉक्स ड्रॉ करूँ ऐसा। ये एक पॉइंट हुआ, ये दो पॉइंट हुआ, तो हमको लेना है वन वन इंच ऐसा सेम। ये अगर नेक ड्रॉ करना है तो आपको देखिए, यहाँ से यहाँ वन इंच, यहाँ से यहाँ वन इंच, दो लाइन पे आपको सर बॉक्स बनाना है, हो गया। अभी यहाँ से यहाँ जाएंगे हम, ये यहाँ से यहाँ ऐसा, ये वाला। अभी हाँ, ये जो है एक बात आप लोग याद रखो कि ये बेस होना ज़रूरी है कोई से भी पॉइंट में। अभी आप देखो ये कितना है, ये बहुत है। अगर आप इसको अगर यूँ लेके, अगर आप इसको अगर यूँ लेंगे ना, तो ये जो है ना ये बने बाद में नेक जो है सो ऐसा फोल्ड होते रहता, ऐसा 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 फोल्ड होते रहता, ये वाला।
अगर हम ये ऐसा लेंगे, अगर देखिए बेस बहुत है, फोल्ड नहीं होगा, स्टिफ रहेगा बहुत ऐसा, तो आप ध्यान रखना है कि ये आपके हिसाब से आप अच्छा इसको ऐसा लो। नहीं मैं बताया वीडियो में ये 1-1 इंच पे ये ऐसा करो, ऐसा लेंगे नहीं, आपको जो ऐसे राउंड भी देख समझ के देना है। ये हो गया ये वाला, अभी हम करेंगे ऐसा वाला। टू 1/4, 7, 2.5, ये देखिए 2 1/4 यहाँ पर लेना है, यहाँ से यहाँ 7 इंच लेना है, फिर यहाँ से यहाँ 2.5 लेना है। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि भूल जाते हैं मेजरमेंट। चलिए अभी हम ये वाला कर रहे थे ना, तो आप 1.5 भी ले सकते हैं, 1.5 से थोड़ा कम भी ले सकते हैं। ऐसा लाइन ड्रॉ कर लो आप बस से। अब यहाँ से आपको खाली कुछ भी नहीं, ऐसा शेप दे देना है। चलिए हो गया आपका नेक, ये वाला ऐसा रख के आप कट कर देना है। और एक वाला जो ऐसा है, वो सेकंड वाला ख़त्म, इजी। देखिए थोड़े लोग क्या करते हैं, यूँ ऐसा करते, ऐसा नहीं है ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस अगर अच्छा करोगे तो ये आपको ईजी समझ में आ जाता। चलिए और एक एक बता देता हूँ। 2 1/4, 7, 2.5। अब आप ये मत समझो कि हर मेजरमेंट नेक का यही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो शोल्डर के हिसाब से रहता। जब मैं आपको ड्रेस बताऊंगा तो शोल्डर के हिसाब से मैं आपको वो भी समझा दूंगा कि कौन से नेक को, कौन से शोल्डर को कितना ब्रॉडनेस लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। चलिए अभी मैं करूँगा ये वाला ऐसा, ऐसा वाला, ठीक है। सेम यहाँ पर भी देखिए आप, 2 पॉइंट है, 2 निकल रहे, तो यहाँ पर हम 1 1 इंच पे ऐसा मार्क कर लेंगे। देखिए 1/2 इंच मैं ले रहा हूँ, 1/2 इंच ये हो गया। जब यहाँ खुलेगा तो ये भी 1/2 इंच हो जाएगा ना, इसलिए 1/2 इंच ये कुछ भी नहीं। इजी मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करूँ, 1 इंच हम ये लेंगे, ऐसे खत्म। ये जितना आ गया छोड़ दो, 1 इंच ही जा रहा वो भी, ईजी। कुछ लोग ये पॉइंट नहीं है, अभी ऐसा शेप वाला आता ना, ये शेप वाला भी आप ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा, खत्म। अगर ऐसा राउंड चाहिए आपको तो राउंड ऐसा कर लेना, ऐसा बॉक्स बना दे, ईजी, बहुत ईजी है ये। चलिए मैं अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आया तो और एक ही छोटा बनाया मैं आप फिर से क्लियर समझ में आने के लिए। ये ब्रॉडनेस जो है सो 2 1/4 लेना है यहाँ पर, देखिए ऐसा 2 1/4। ये जो है सो 7 इंच क्रॉस में मेजरमेंट करना है, ये जो है सो 2.5 लेना है। पेंसिल लो, पेंसिल, ये पेंसिल का ऐसा जहाँ जाना वो लो ऐसा, ये हो गया, ठीक है। इसकी बॉक्स पहले बनाना, उसके बाद जो आपको शेप चाहिए इसमें ऐसा ऐसा जो भी है ड्रॉ कर लेना आप जो भी है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अब पॉइंट के हिसाब से आप गले ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैं बताऊंगा। वो 2 तो बता दिया, चलिए मैं आपको अभी ये बताऊंगा, ये वाला बताऊंगा, ठीक है। अभी आप ये 1.5 पे ले सकते हैं, 1.5 ले लेना यहाँ से, क्योंकि ये तो एक ही पॉइंट आ रहा है, देखिए ये एक ही पॉइंट आ रहा है ये वाला। कुछ भी नहीं करना है, ऐसे खाली ऐसा कर देना है, हो गया। देखिए कितना इजी है, बहुत इजी है। अभी हम जो साइड का जो काटिंग है वो रफली आप काट सकते हैं, मगर अभी नहीं, बाद में। पहले आप थोड़ा मेजरमेंट के हिसाब से काटना सीख लो थोड़ा। देखिए मैं यहाँ से
हाफ हाफ इंच ले रहा हूँ। अच्छा पूरा हाफ हाफ इंच ड्रॉ कर लो आप। एक सेकंड रुक जाओ, आवाज़ मत करो। अच्छा हाफ हाफ इंच आप बस ड्रॉ कर लो। देखिए आप जो है सो रफली भी ड्रॉ कर सकते, अगर अभी नहीं थोड़ा टाइम लगेगा। ये हाफ इंच देखिए, पूरा इक्वल आना चाहिए। बरहास ये हो गया आपका नेक लाइन, नेक कटिंग जो भी है ये, ठीक है। ये जो है सो आप ये पकड़ के, आपको ये नहीं चाहिए तो ये वेस्ट पीस है, ये वेस्ट नहीं पकड़ना आप, आपको चाहिए ये वाला, तो आप यहाँ से स्टार्ट करना है ऐसा। क्यों? अगर आप कुछ प्रॉब्लम हुई गलती से कुछ काटा तो ये वाला कटता आपको, अगर आप यहाँ से काटोगे ऐसा काटोगे तो गलती से आप ये वाला काट सकते, इसलिए जो है सो आप ये वाला पीस पकड़ के इस तरह से नीटली ड्रॉ कर सकते। अगर मिस्टेक भी हुई तो आप ये पीस करता कि वेस्ट करने के लिए, सेम ऐसे ही इसे घुमा देना इसे, फिर हमें ये चाहिए ये पीस नहीं। सो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको फॉलो करो जल्दी और अच्छा सीख सकते हो। देखिए ये आपका नेक रेडी हो गया। ये आप लोग ड्रॉ करो काटो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सीना बताऊंगा, ठीक है। पूरे ट्वेल्व ऐसे मुझे चाहिए।